ऑर्मिक्स की नई रैंकिंग आई है और इस नई रैंकिंग को सुनकर आप चौंक जाएंगे। इसमें एक ऐसे कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है जिसके बारे में कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था। लेकिन अगर आपने पिछले हफ्ते संडे का मेरा रिव्यू देखा होगा जो मैंने ऑर्मिक्स की रेटिंग में किया था, तो मैंने बोला था कि अगले हफ्ते ये शख्स इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा, क्योंकि इस शख्स का गेम बहुत अच्छा होता जा रहा है। और मैं बात कर रही हूँ अभिनव शुक्ला की। जी हाँ, अभिनव शुक्ला टॉप 5 में शामिल हुए हैं और ये मुझे लगता है कि बहुत मच डिजर्विंग कैंडिडेट हैं जिनको टॉप 5 में ज़रूर आना चाहिए था और अब वो टॉप 5 में आए हैं। बाकी पूरी लिस्ट क्या है, बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है, तो क्या है पूरी लिस्ट, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। पहले मैं पिछले हफ्ते की लिस्ट याद दिला देती हूँ। रुबीना, राखी सावंत, राखी बनता ही था नंबर 2 पे। अली गोनी, राहुल और एजाज खान, तो ये 5 लोग थे। रुबीना, राखी, अली, राहुल, एजाज, ये टॉप 5 में थे। और अब जो है रुबीना नंबर 1 पर बनी हुई है, दूसरे पर अली गोनी आ चुके हैं। राखी सावंत ने अपना गेम खराब किया है, वो सिर्फ और सिर्फ अभिनव और रुबीना, जैसे कि सलमान खान ने कहा था कि वो अभिनव की कठपुतली बन गई हैं, घर का हर सदस्य उन्हें ये बात समझा रहा है। तीसरे नंबर पे राखी सावंत, चौथे पे राहुल वैद्य, पिछले हफ्ते भी वो चौथे पे थे। एजाज के जाने के बाद अभिनव शुक्ला नंबर 5 पर आ चुके हैं। तो रुबीना, अली, राखी, राहुल और अभिनव शुक्ला, ये है टॉप 5 इस हफ्ते के। लेकिन अभिनव शुक्ला की एंट्री हुई है, ये पहली बार हुआ है इस सीजन में कि अभिनव ऑर्मिक्स की लिस्ट में शामिल हुए हो। तो आप इस लिस्ट से कितना एग्री करते हैं, रुबीना, अली, राखी, राहुल और अभिनव शुक्ला? तो ये है टॉप 5। हालांकि रुबीना नंबर 1 पर मुझे लगता है कि वो डिजर्व करती हैं। 2 पे उनको टक्कर दे सकते हैं राहुल वैद्य, 3 पर मैं भी मानती हूँ राखी सावंत, 4 पर मुझे लगता है होनी चाहिए अली गोनी और 5 पर अभिनव शुक्ला। तो ये मेरी लिस्ट है, आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और आपके टॉप 5 कौन से हैं ज़रूर बताइएगा।